तो सुमेश शर्मा जी हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आज आपकी क्या आपने मुख्यमंत्री के सामने मांगे रखी और क्या व्यापारी वर्ग जो है क्या वो आज की परिस्थितियों में जैसे कि कोरोना के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं क्या वो सरकार से खुश है या ना खुश है? आज से सबसे पहले तो मैं पोल स्टार चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। सबसे पहले मार्केट फीस को लेकर के, मार्केट फीस एक्ट जो कि 2020 दोबारा लगाया जा रहा है, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। हम व्यापारी मार्केट फीस का विरोध करते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। वो एक विभाग हम व्यापारियों के ऊपर एक ये समझो कि काला कानून है, उसको हम हटाना चाहते हैं, माथापच्ची बढ़ेगी। और वैसे भी जो 3 कानून माननीय मोदी जी ने बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फॉर दी टाइमिंग थोड़े टाइम के लिए उनको रिजर्व रखा है, ख़त्म नहीं किया है, वैसे ये मार्केट फीस लगा नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासित किया है कि मैं बहुत जल्दी ही अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके इसको ख़त्म करूँगा। सर, ये मार्केट फीस का क्या इशू है, मतलब क्या कितनी मार्केट फीस है और व्यापारियों के ऊपर इसका किस प्रकार से असर पड़ता है? मार्केट फीस 1% से लेकर के 5% तक ये मतलब इसके ऊपर ये लगती है लगेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी और व्यापारियों को हिसाब किताब रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये सिस्टम चालू हो चुका है कि अभी होना बाकी है? नहीं, अभी इम्प्लीमेंट किया है और अभी आज ही मुख्यमंत्री जी से इसके ऊपर चर्चा हुई है। अब देखते हैं कि कैसे, ये पहले बंद हुई थी 20 जून 2020 को, ये बंद हो गई थी। अब 6 फरवरी 2021 को एक सर्कुलर जारी करके इसको दोबारा लागू किया गया। और क्या समस्या आपको एज ए, मैं अगर व्यापारी वर्ग आपसे पूछूं, कोरोना ने कितना हिट किया इंडस्ट्री को पूरा, जो आपका व्यापारी है और कौन सा जो सेक्टर है आप मानेंगे, आपकी समझ के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस कोरोना के काल में? कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो छोटा और मझोला व्यापारी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कोरोना काल के चलते सभी व्यापारियों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। अब थोड़ा सा जब से खुला है, अनलॉक शुरू हुआ है, तब से लेकर के व्यापारी वर्ग द्वारा उसको स्ट्रगल कर रहा है और दोबारा सेटअप होने के लिए कोशिश कर रहा है जी। तो और आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? आपने कुछ और भी पॉइंट्स उठाए थे, जैसे आपने एक फंड, एक मंत्रालय बनाने की बात कही थी। हमने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि अगर उद्योग मंत्री उद्योग मतलब 45,000 टोटल उद्योग हिमाचल में हैं, उनके लिए उद्योग मंत्रालय हो सकता है, तो पूरे हिमाचल में 5,00,000 व्यापारिक फैमिलीज काम करती हैं, उनके लिए भी व्यापार कल्याण मंत्रालय होना चाहिए। ये थे सुरेश जी और इन्होंने अपनी बातें रखी मुख्यमंत्री जी के सामने भी, व्यापार मंडल हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। देखना होगा अब सरकार के पाले में गेंद की जो मांगे इनकी है उस पर सरकार किस प्रकार से अमल करती है। इनको इनविटेशन भी दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि शिमला आएँ और एक पूरा एक सिस्टमेटिक वे में जो अधिकारी है वो भी बैठेंगे, मंत्रीगण भी बैठेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और पूरा इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मौजूद होगा और फिर ये देखेंगे कि आगे एक क्या क्या चीज़ें हैं जो मानी जा सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जिन पे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से हमें समय देने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।